हर वो चीज़ जहर है जो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे लालच, दौलत, इकतदार, नफरत और भूख। ज़्यादा देर तक जीना चाहते हो तो सादा खुराक खाओ, इससे कम बीमारियों में मुबतला रहोगे। अपनी ताकत को कभी इंसानियत के खिलाफ इस्तेमाल मत करें, आपकी ताकत नेमत खुदाबंदी है। वो शख्स दर हकीकत मर जाता है जो किसी के दिल से उतर जाता है। इंसान पर इस वक्त रब की रहमत बरस रही होती है जब इसकी आंखों से नदामत के आंसू बह रहे होते हैं। जो तकलीफ तुम महसूस करते हो वो दरअसल जवाबात हैं, इन्हें गौर से सुनो। अपने ख्यालात की ऐसे हिफाजत करें जैसे आप अपने माल की हिफाजत करते हैं। वो लोग अपना मुस्तकबिल खो देते हैं जो अपने हाल और माजी के मबैन हर वक्त लड़ते रहते हैं। कौन सी चीज़ें इंसान को बुरी लगती हैं, इसी से इंसान की शराफत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। खतरे से मत डरो, इसका सामना करो, ऐसा करने से खतरा आधा कम हो जाएगा। वो दरख्त हमेशा मजबूत होता है जो केले नशोनुमा पा कर बड़ा होता है। जब तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम्हारा रिस्क अल्लाह के पास है, तुम्हें चाहिए कि फौरन अल्लाह की तलाश शुरू कर दो। भरपूर सुकून महसूस करना चाहते हो तो अपने माल में से कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों में तकसीम करो। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा ना होना एक ऐसी बीमारी का शिकार कर सकता है जिसमें सिर्फ रुसवाई ही मिलती है। जो बंदा खुद को काबू या बर्दाश्त नहीं कर सकता वो ज़िंदगी में मुकाम नहीं बना सकता। बदन में ताकत पैदा करने और कमज़ोर जिस्म पर गोश्त चढ़ाने के लिए दो चीज़ें खाया करो, एक रोज़ाना सात केले, दूसरा उबले हुए चावल के साथ गोश्त। बेवकूफ़ इंसान की खामोशी इसे अक्ल वालों में शुमार करने के लिए काफ़ी है।